सिलाई करते समय हमारे पास अलग अलग कपड़ा रहता है, पतला कपड़ा है, जाड़ा कपड़ा है। ऐसे समय पर हमें कौन सी सुई का इस्तेमाल करेंगे, ये हमें मालूम करना है। नमस्कार दोस्तों, सेल्फ रिपेयर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर वीडियो बना रहे हैं जो कि हमें सब्सक्राइबर और लाइक करने वाले और दर्शकों से सवाल आते हैं कि हम ये सुई या तो या कपड़ा, हमारे पास ऐसा कपड़ा है तो उसके ऊपर हम कौन सा सुई यूज़ करेंगे। ऐसे सवाल बढ़ने की वजह से हमने ये सोचा कि क्यों ना एक अलग वीडियो ही बना दिया जाए। इसके लिए हम आज उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। और ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ सुई और कपड़े के हिसाब से नहीं होती, तो इसके लिए मशीन में भी चेंजेस करना है साथ साथ में, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैंने अभी ये चार अलग अलग साइज़ की सुई ली है। तो पहला जो है एक नंबर में, वो 11 नंबर है, बाद में आता है 14 नंबर, उसके बाद आता है 16 नंबर और उसके बाद है 18 नंबर, इसके बाद भी रहती है 21 नंबर रहेगी, 23 नंबर रहेगी, 25 नंबर रहेगी, मगर वो सिलाई का जो काम है, जो हमारा मकसद है, वो रेगजीन वगैरह नहीं है। हमारा हम लोग कपड़ा सीते हैं वो रेगजीन और ज़्यादा मोटा कपड़े के लिए 21 नंबर के आगे का सुई यूज़ होता है। जहाँ तक ये 18 नंबर सुई है, हम लोग जीन के लिए, जीन कपड़ा और थोड़ा मोटा कपड़ा जो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है 16 नंबर। 16 नंबर आम तौर पर सभी कपड़े के ऊपर यूज़ हो सकता है, सिर्फ ध्यान रहे कि जीन कपड़ा नहीं, जीन कपड़ा छोड़ के हमारे पास जो भी कपड़ा रहेगा उसके ऊपर 16 नंबर सुई यूज़ करेंगे। बाद में है 14 नंबर। 14 नंबर सुई का जो है वो हम ब्लाउज़ का कपड़ा, जैसे पतला कपड़ा रहता है और ज़्यादा पतला भी नहीं, मीडियम पतला कपड़ा जो रहेगा उसके लिए 14 नंबर सुई है। और फर्स्ट में जो दिख रही है आपको 11 नंबर सुई है, वो 11 नंबर जो सुई है वो बिल्कुल पतला कपड़ा में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि समझो मलमल का कपड़ा है, हमारे ज़माने में मलमल का कपड़ा बोलेंगे तो ढाका जो रहता है ना बांग्लादेश में, वहाँ की साड़ियाँ मलमल की रहती थी, वो हमें याद है कि बोलते थे माचिस की डिब्बी में, माचिस के बॉक्स में पूरी साड़ी रहती थी, वैसा वाला मलमल का कपड़ा अगर उसको सीना है तो वो 11 नंबर सुई है। और एक ये जो सुई हो गई, उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। सुई का नंबर चाहे 11 हो, 18 हो, 25 हो, कितना भी हो, इनका लेंथ उतना ही रहता है। किसी का ऐसा समझ है कि नंबर के हिसाब से लेंथ में कम ज़्यादा होता है तो वो गलत है। लेंथ सभी सुई की एक जैसी ही होती है, सिर्फ इसमें बदलाव उसके विड्थ में रहता है। ये जो वाला विड्थ है, ये वाला विड्थ कम ज़्यादा रहेगा, मतलब कम नंबर का सुई का विड्थ कम और ज़्यादा नंबर का ज़्यादा। अभी मैं जो 11 ये जो चार सुइयाँ है यहाँ की, वो मशीन में डालने के बाद मशीन का कौन सा एडजस्टमेंट करना है वो आपको बताने वाला, क्योंकि सिर्फ सुई बदलने से हमारा कपड़ा के सिलाई का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इसके लिए मशीन में जो एडजस्टमेंट करना है मैं आपको वो एक एक सुई करके सबके ऊपर सिलाई लाके बताने वाला हूँ, और उसी समय वो एडजस्टमेंट भी। तो देखो आगे, देखो अभी हमने 11 नंबर सुई इसमें फिट कर दिया है, ये देखो 11 नंबर सुई है इसमें। इसके लिए ये पतला कपड़ा है, इससे भी आप पतला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, मगर शायद इससे हम लोग को सीने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैंने ये पतला से पतला कपड़ा लिया है। ये कपड़ा कभी फ्रॉक में भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि हम लोग बेबी फ्रॉक बनाते हैं उसमें भी छोटा छोटा पतला पतला कपड़ा आता है, तो इसके लिए ये 11 नंबर सुई हमने लगा दी है। और देखो ये प्रेशर पुट यहाँ हमने रखने के बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो प्रेशर सेट का यूनिट है देखो ये घूमता है,
इसको कम से कम प्रेशर में रखना है। हमने सुई तो चेंज की, कपड़ा भी हमारा पतला है, मगर ऐसे चलेगा नहीं। अगर इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगी तो इसमें कपड़े में झुर्री आ जाएगी। तो देखो, ये प्रेशर सेट करने वाला स्क्रू है, तो इसको हम कम से कम प्रेशर में रखेंगे। तो कैलकुलेशन कैसा हो गया, पतला सुई, पतला कपड़ा और कम से कम प्रेशर। इसके लिए धागा भी कम जाड़ी का चलेगा। इसके लिए कोई जीन का कपड़ा अगर यूज़ करेंगे, जीन का धागा अगर यूज़ करेगा तो गलत है। इसके लिए सिर्फ पतला धागा ही चाहिए। तो अभी देखो, ये प्रेशर हमने सेट किया, अभी हम इसको चला के देखेंगे। देखो कहाँ भी झुर्री नहीं आई, इसका मतलब हमने जो प्रेशर सेट किया है वो बराबर है। ये हो गया अभी 14 नंबर सुई। अभी हमने 14 नंबर सुई इसमें फिट कर दी है। देखो ये 14 नंबर है। अभी 14 नंबर, एक सिंपल बात है, इसमें जितने भी ब्लाउज का कपड़ा रहेगा वो सब 14 नंबर सुई से सिलना है। इतना सिंपल याद रखना है बस, क्योंकि ब्लाउज का कपड़ा पतला रहेगा मगर ज़्यादा पतला भी नहीं रहता है। पतला रहता है मतलब मीडियम पतला बोलेंगे हम लोग, तो उसके लिए है 14 नंबर सुई। देखो ये एक ब्लाउज पीस ही है, ये ब्लाउज पीस हम लोग एक सिलाई मारना है अभी, क्योंकि हमने 14 नंबर सुई फिट की है। अभी प्रेशर, कपड़ा हो गया, सिलाई के लिए सुई हो गया, अभी प्रेशर। प्रेशर देखो, ये प्रेशर हमने 11 नंबर के लिए एडजस्ट किया था, अभी वही पोजीशन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देखो 1 2 3 4, बस ये प्रेशर हो गया 14 नंबर सुई के लिए और ब्लाउज जैसे कपड़े के लिए। अभी हमारा प्रेशर सही है या गलत ये भी देखना है। तो हमने देखो, देखो बिल्कुल झुर्रिया नहीं है। अगर इसमें झुर्रिया आती थी तो समझो हमारा प्रेशर गलत है, तो फिर से इसको एडजस्ट करना। तो ये थी 14 नंबर सुई और ब्लाउज का कपड़ा। तो कैलकुलेशन कैसे हो गया, ब्लाउज का कपड़ा, 14 नंबर सुई, ब्लाउज का कपड़ा मतलब ब्लाउज जैसे पतला कपड़ा, कोई भी कपड़ा हो सकता है, ब्लाउज ही नहीं और भी कुछ रहेगा आइटम उसका भी कपड़ा है, तो वो पतला मीडियम पतला कपड़ा, 14 नंबर सुई और ये प्रेशर यहाँ होना चाहिए। ये हाफ शटल मशीन का है, ये इतना ही ध्यान रखो, अगर आपके पास फुल शटल मशीन है तो सेम ऐसा ही उसमें भी एडजस्टमेंट है। अलग से जब हम वीडियो बनाएंगे फुल शटल का तब उस टाइम भी वो दिखाने वाले हैं, मगर अभी जिनको जिनके पास जानकारी चाहिए उनके लिए इतना वो लोग ध्यान रखें कि ये सिर्फ हाफ शटल के लिए नहीं है, ये फुल शटल के लिए भी ऐसा ही है। अभी हमने 16 नंबर सुई इसमें यूज़ किया है, ये 16 नंबर सुई है। अभी 16 नंबर सुई मैक्सिमम चलने वाला सुई है, क्योंकि थोड़ा सा पतला थोड़ा सा जाड़ा हम लोग का कपड़ा रहता है, तो उसमें 16 नंबर सुई कहाँ भी एडजस्ट होता है। तो मैक्सिमम लोग 16 नंबर सुई यूज़ कर रहा है। 16 नंबर जैसे शर्ट का कपड़ा है समझो, ये पैंट का ही मगर थोड़ा सा कम वाला पतला, ऐसा ये पैंट का कपड़ा है, ये भी पैंट का कपड़ा है, ये शर्ट का कपड़ा है। तो ऐसा जो कपड़ा है शर्ट का और वैसे ही थोड़ा सा आगे पीछे समझो, ज़्यादा जाड़ा नहीं ज़्यादा मोटा नहीं, ऐसा कपड़ा सब 16 नंबर सुई में सी सकते हैं आप। इसका अभी हम लोग एक सिलाई मार के देखेंगे। तो दोबारा हम लोग इसको चालू करने के लिए, अच्छा ये धागा है ये 16 नंबर में भी यूज़ हो सकता है,
सिर्फ आपको क्या करना है अभी, इसका प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ाना है, क्योंकि जैसे भी कपड़े का मोटापन बढ़ जाएगा, कपड़े की विड्थ बढ़ जाएगी, ये हमारा प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो दोबारा देखो, 1 2 3 4, मतलब हाफ हाफ राउंड हम 4 कर रहे हैं, तो 2 राउंड आपको पुल करना है, तो ये प्रेशर बढ़ेगा। 14 नंबर के मुकाबले थोड़ा प्रेशर इसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो, हमने प्रेशर दे दिया, अभी सिलाई देखेंगे। देखो सिलाई, तो कहाँ झुरी नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हो गया 14 नंबर सुई, सॉरी 16 नंबर सुई। तो 16 नंबर सुई कैसे, 16 नंबर सुई ये वाली, और शर्ट जैसे कपड़ा, ये सभी थोड़ा पैंट जैसा भी चलेगा, और ये वाला प्रेशर, तो ये बात आप ध्यान रखना है। देखो, अभी हमने 18 नंबर सुई इसमें फिट कर दी, अभी 18 नंबर सुई के लिए सिलाई देखना है। तो 18 नंबर सुई के लिए हम लोग सिलाई देखेंगे। पहले प्रेशर पुट के ऊपर रखेंगे, और एक इधर, अब ये प्रेशर एडजस्ट करना है, थोड़ा सा ही प्रेशर एडजस्ट करो, जैसे पहले जैसे मैंने 2 राउंड बताए थे वैसे ही किया। मगर इसमें एक ख़ास बात है दोस्त, सुई का होल ज़्यादा है और कपड़ा जाड़ा है, तो हम पतला धागा यूज़ इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पतले धागे से सियेंगे वो सिलाई ज़्यादा देर तक रहेगी नहीं। इसके लिए ये जो धागा है, देखो ये धागा जीन कपड़े के लिए यूज़ करता है, हमेशा जीन पैंट के लिए यही यही धागा यूज़ में आता है। तो ये धागा जीन कपड़े के लिए होने के बावजूद, इसमें हम सिर्फ प्रेशर एडजस्ट करके छोड़ना नहीं, हमने प्रेशर तो एडजस्ट किया है, और एक इसमें एडजस्टमेंट है, ये जो टेंसिल व्हील है, यहाँ का जो स्क्रू है इसको थोड़ा सा लूज़ करना है, बस ये थोड़ा सा लूज़ हमने किया है। मगर अगर आपका सिलाई ठीक नहीं आता है तो थोड़ा सा और लूज़ कर सकते हैं, ये दोनों एडजस्टमेंट आपके हाथ में। ये होने के बाद हम लोग इसका सिलाई चेक करेंगे। देखो, मशीन आपका है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आपको करना है। इसके लिए मैं एक बात बोलूं कि आप इसका देखो, ये सिलाई देखो, पहले ये जीन का सिलाई हो गया, देखो ये भी है, दोनों तरफ एकदम बराबर है। यहाँ जो धागा है इसकी जगह आप ऐसा ही धागा यूज़ कर सकते हैं, जो हमने जीन के लिए जो सेपरेट धागा आता है वो। मैं एक बात बोलता हूँ कि ये 18 नंबर सुई और ये जीन वाला धागा आप हमेशा घर में रखो, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे जीन पैंट पहनते हैं, अभी वो उनको कहाँ जाना है, थोड़ा सा भी पैंट किधर ख़राब हो गया या सिलाई निकल गया है तो अर्जेंट हम दर्जी के पास जाके उसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो आपके पास अगर 18 नंबर सुई है, जीन के लिए धागा है, तो बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर आप उनको सिलाई करके उनको बच्चों को खुश रख सकते हैं, हो गए ना। तो सेल्फ रिपेयर का मतलब यही है कि आप खुद अपना काम अपने ढंग से करो, यही सेल्फ रिपेयर चैनल का ये हम लोग का उद्दिष्ट है। देखो, सब्सक्राइब तो आपने अभी तक अगर किया नहीं होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो, और ये चैनल दोस्तों आपका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, प्रॉब्लम बताएंगे, हम वीडियो निकालते जा रहेंगे। वीडियो निकालने का ये दौर हमारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और हमें प्रॉब्लम बताते रहो। अभी तक आपने जो ये लंबा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।